दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का भी इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और 1.5 GB डेटा पूरा दिन भी नहीं चलता, 1 से 2 घंटे में पूरा का पूरा इंटरनेट ख़त्म हो जाता है और इस वजह से आप बहुत परेशान हो, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको आपकी फ़ोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी फ़ोन के इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग्स को करने के बाद आप दिन रात अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज करो, वीडियो देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, आपके जो फ़ोन का 1.5 GB डेटा है ना, वो जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा और पूरा दिन आपके फ़ोन का इंटरनेट चलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के इंटरनेट डेटा को कैसे सेव कर सकते हो ताकि जो आपके फोन का 1.5 GB डेटा है वो जल्दी खत्म ना हो और पूरा दिन आपके फोन में इंटरनेट चले। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, हम सभी के फोन के अंदर एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है प्ले स्टोर, जिसमें कि हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। लेकिन इसी के अंदर आपको एक ऐसा खुफिया सेटिंग मिलता है जो कि आपके फोन के इंटरनेट को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। और यहाँ पर कैसे खत्म होता है मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है सेटिंग्स, यहां पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है नेटवर्क प्रिफेरेंस, यहां पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है ऑटो अपडेट एप्स, यहां पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर अपडेट ऑल ऐप ओवर वाईफाई और मोबाइल डेटा पे सेट होता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि आप अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हो और कभी भी कोई भी एप्लीकेशन में अपडेट आता है तो वो आपके फोन के बैकग्राउंड में ही अपडेट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और हम अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं और पर डे कोई ना कोई एप्लीकेशन में जरूर अपडेट आता है, 100 MB, 200 MB, 300 MB ऐसे अपडेट आते रहते हैं और वो सारे अपडेट क्या होते हैं कि बैकग्राउंड में ही हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और उस वजह से आपके फोन का इंटरनेट तुरंत खत्म हो जाता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप इस पर आपको सेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना कि कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कभी भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई इस एप्लीकेशन का अपडेट आया है, अगर आप सुटेबल हो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, इससे जो आपकी फोन का इंटरनेट है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। और हम सभी लोग अपने फोन के अंदर यूट्यूब जरूर देखते हैं, कोई वीडियो देखता है, कोई शॉर्ट्स देखता है, लेकिन आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर शॉर्ट्स देखते हैं तो उस वक्त हमारे जो फोन का इंटरनेट है वो बहुत जल्दी खत्म होता है, दुगने स्पीड से हमारे फोन का इंटरनेट खत्म होता है। आप अपने फोन में जब भी यूट्यूब ओपन करते हो तो आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हो वीडियो सर्च करने के लिए तो थंबनेल की जगह यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो जाता है बैकग्राउंड में ही, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जितना स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको थंबनेल नहीं दिखेगा, डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या करता है ना कि आपके फोन के इंटरनेट को तुरंत खत्म कर देता है और ये फुल HD में चलता है और जितना HD आपके फोन में वीडियो चलेगा उतना जल्दी आपके फोन का इंटरनेट भी खत्म होगा। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को यहाँ से बंद कर देना होगा ताकि अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो वीडियो चल रहा है वो यहाँ पर ना चले। तो कैसे बंद करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना। तो नीचे में आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद ऊपर में आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको सेटिंग से प्रेस करना है। और यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरल के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हो,
डायरेक्टली आपको जनरल के अंदर आ जाना है, ठीक है। और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है प्ले बैक इन फीड्स, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर ऑलवेज ऑन रहता है, और इससे क्या होता है ना कि जब भी आप YouTube पर स्क्रॉल डाउन करते हो तो थंबनेल की जगह वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद क्या होगा कि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आप कितना भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर सिर्फ थंबनेल दिखेगा, जो बैकग्राउंड में वीडियो स्टार्ट हो रहा था वो यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे आपकी जो फोन का इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। तो ये सीक्वेंस सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आप YouTube पर कोई भी वीडियो देखते हो या फिर शॉर्ट्स देखते हो तो उस वक्त जो आपके फोन का इंटरनेट है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके फोन का इंटरनेट कहाँ खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है। क्योंकि YouTube क्या करता है कि आपके फोन के इंटरनेट को दुगने स्पीड से कंज्यूम करता है और आपके फोन का इंटरनेट ये तुरंत खत्म कर देता है। लेकिन YouTube ने एक नया सेटिंग लाया है जिससे कि आप अपने फोन के मोबाइल डेटा को सेव कर सकते हो, ताकि जो आपके फोन का इंटरनेट है वो जल्दी खत्म ना हो और आपके फोन का 1.5 GB डेटा पूरा दिन चल सके। तो वो सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो नीचे में जो प्रोफाइल का ऑप्शन है ना, डायरेक्टली आपको प्रोफाइल पे टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद ऊपर में आपको जो सेटिंग्स का ऑप्शन है डायरेक्टली आपको सेटिंग से प्रेस करना है, और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है डेटा सेविंग, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है डेटा सेविंग मोड, यहां पर आप देख सकते हो। और ये क्या होता है ना कि हम सभी के यूट्यूब के अंदर बंद होता है, लेकिन ये हमारे फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। ये आपकी फोन के इंटरनेट को बहुत ज्यादा सेव करता है, और दिन रात भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे ना फिर भी जो आपके फोन का इंटरनेट है वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको इस सेटिंग्स को यहां से ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद नीचे जितने भी सेटिंग्स है ना वो ऑटोमेटिक ही ये आपके फोन में ऑन हो जाएंगे, और ये आपके फोन के इंटरनेट डेटा को सेव करेंगे और जल्दी आपके फोन के इंटरनेट को खत्म होने नहीं देंगे। तो ये सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब फोर सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। और हम सभी लोग अपने फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने फोन में YouTube पर वीडियो नहीं देखोगे, Instagram पे रील्स नहीं देखोगे, किसी से चैट नहीं करोगे, फिर भी जो आपके फोन का इंटरनेट है वो बैकग्राउंड में खत्म होता है, वो कैसे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको सारे एप्लीकेशन के अंदर ये सेटिंग्स ऑन करना है, ठीक है, ऑफ करना है। मैं यहां पर एक डेमो आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको सारे एप्लीकेशन के अंदर इस सेटिंग्स को बंद करना होगा। तो जैसे कि मेरे फोन में इंस्टाग्राम हो गया, तो डायरेक्टली हम इंस्टाग्राम पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद यहां पर आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है डेटा यूजेज, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। और यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैकग्राउंड डेटा के नाम से, और यहां पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड डेटा कितना ज्यादा हमारे फोन में खत्म होता है। अगर एक एप्लीकेशन 105 MB हमारे फोन के इंटरनेट को खत्म करेगा बैकग्राउंड में, तो भाई जान सकते हो कितना जल्दी हमारे फोन का इंटरनेट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो 105 MB मेरे फोन में बैकग्राउंड डेटा कंज्यूम हुआ है, आपके फोन में और भी ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको इस सेटिंग्स को यहां से बंद कर देना है, ठीक है। इससे आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके फोन में जैसा एप्लीकेशन चल रहा था वैसा ही चलेगा, लेकिन जो आपके फोन के बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम हो रहा था और उस वजह से आपके फोन का इंटरनेट बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा था वो यहां पर आपका फिक्स हो जाएगा, और आपकी जो फोन का इंटरनेट डेटा है वो बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। और ये चार सेटिंग्स करने के बाद आप दिन रात अपने फोन में इंटरनेट यूज करो, वीडियो देखो, फिर भी जो आपके फोन का 1.5 GB डेटा है ना वो जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो, वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।